नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब आमने सामने आए हैं। आपको बता दें, जेडीयू ने शराबबंदी को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है। पार्टी ने मांझी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन पहले आप मांझी का ये बयान सुनिए, जो ताड़ी और शराब को लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए। ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी, हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु छीनता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था। तब हमारे बाबू जी कहें, अच्छा हम ठीक कर देंगे। 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया, आज हमारी धातु सीता 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सोचे। आज ये गुण ताड़ी में है, औषधि है वो। आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिट मत होइए। शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पूरा विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। तो देखा आपने मांझी का ये बयान। आपको बता दें, जेडीयू के वहीं प्रमुख जो प्रवक्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीरज कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून राज्य के आम लोगों के पक्ष में है। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार, उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी कानून राज्य के आम लोगों के पक्ष में है और इसकी समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की इस मांग को उन्होंने खारिज किया है और गुजरात की तरह बिहार में भी सीमित मात्रा में शराब के उपयोग की छूट उनको मिलनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बताएं, नीरज ने शनिवार को यह कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की वो दलील दे रहे थे और उसमें उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि इस आशय का मतलब ये है कि लिखित मांग अपने स्वजन से कराया जाए। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बाद 2 करोड़ से अधिक लोगों ने शराब का सेवन करना बंद कर दिया है। परिवार पर इसका प्रभाव नजर आ रहा है, पारिवारिक हिंसा जो है वो कमी आई है, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसकी कई बार वो प्रशंसा भी कर चुके हैं। आपको बताएं, शराबबंदी कानून से होने वाले पहले राज्य में 35% जो पुरुष शराब का सेवन करते थे, अब उन्होंने वो सेवन करना छोड़ दिया है। महिलाओं की संख्या 1% थी शराब पीने की, लेकिन अब वो भी नहीं पी रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की सहमति इससे लागू किया गया है और इसके बाद अगर ये सारी चीजें प्रक्रिया आती है तो ऐसे में मांझी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मांझी जिस तरीके से उन्होंने शराब को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में जेडीयू उनकी सारी मांगों को खारिज करते हुए भी नजर आई है। देखना होगा, जिस तरीके से जेडीयू और मांझी आमने सामने हैं, ऐसे में मांझी क्या पार्टी से अपना नाता तोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी इसके पहले भी करते हुए आ रहे हैं और अभी भी वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि मांझी हो सकता है पार्टी से खिन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय होगी कि जो बिहार में शराब को बंद किया गया है वो सही है या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।